फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं किरण। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं आपके स्किन टोन को इवन करने का तरीका, आपके डार्क स्किन को लाइट करने का तरीका। आप अपने आप को खूबसूरत और गोरा बना सकते हो इस फॉर्मूले के साथ। कंटिन्यू दोस्तों एक महीना इस वाले फार्मूला को लगा के देखिए, आपका स्किन दोस्तों एकदम चमकने लगेगा, आपकी स्किन में एक अलग सी ग्लो दिखेगी। फ्रेंड्स आपका स्किन एकदम गोरा गोरा सा लगेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको लेना है एलोवेरा जेल। दोस्तों एलोवेरा जेल मार्केट में आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन लेना आपको ऐसा एलोवेरा जेल जो क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, बिना कलर एडेड हो, बिना फ्रेगनेंस एडेड हो, और वही जो है बढ़िया वाला होता है। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा जेल मिलते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाला लेना है, बिल्कुल कलर वाला नहीं लेना है, ना ही इसमें कोई फ्रेगनेंस हो वैसा ना ले। और अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आप ओरिजिनल वाला जो पौधा वाला मिलता है वो भी ले सकते हैं, उसको भी आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं आज के इस DIY में। और अगर दोस्तों अगर आपके पास पौधा वाला नहीं है तो ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो लिंक जो है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगली सामग्री आपको लेना है विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई की कैप्सूल दोस्तों आपको ईवियन 400 करके आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, वो वाला कैप्सूल लेना है। ये हमारे स्किन के कलर को बहुत ही ज़्यादा लाइट करता है। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच आपको एलोवेरा जेल लेना है और लगभग 2 इसमें विटामिन ई की कैप्सूल को आपको निचोड़ करके डाल देना है। दोस्तों एकदम जो मैजिक फार्मूला होता है ना, वैसा फार्मूला बता रही हूँ फ्रेंड्स, एकदम सीक्रेट बोल सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके स्किन का कलर लाइट दिखने लगेगा, आपका स्किन ब्राइट हो जाएगा। दोस्तों तो 2 यहाँ पे हमने विटामिन ई की कैप्सूल ले लेना है, लगभग 3 से 4 चम्मच। आप मंथली में, मतलब एक मंथ का भी बना के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगली सामग्री आपको लेना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के फ़ायदे आपको पता होगा, हमारे स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है ऑलिव ऑयल, हमारे स्किन के कलर को लाइट करने में, हमारे स्किन को रिजनरेट करने में, आपके स्किन के कलर को इवन करने में जो है ऑलिव ऑयल के बहुत फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स। तो ये 3 सामग्री ही आपको लेनी है और तीनों को अच्छे से मिक्स करके और किसी भी कंटेनर में, आप एयरटाइट बॉटल में, किसी भी क्रीम वाला जो आपके पास अक्सर डब्बा वगैरह होता है उसमें आप भर करके रखिए। और इसको दोस्तों आप आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी ख़राब हुए। अगर आप पौधा वाला एलोवेरा जेल लेते हैं तो उसको आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ये वाला एलोवेरा जेल जो मार्केट से मिलता है इसको आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको आपको इस तरीके से ढक्कन बंद करके लगा करके और रख लीजिए, और जब भी आपको ज़रूरत हो इसको लगाए। अब आपको इसको लगाना कब है, इसको आपको रात में सोने के पहले लगाना है फ्रेंड्स। रात में सोने के पहले पूरे स्किन पे, पूरे हाथों पे, फेस पे, गर्दन पे, जहाँ पे भी मन करता है ये लगा ले, क्योंकि आपकी स्किन को बिना किसी नुकसान के आपकी स्किन के कलर को बहुत ही बढ़िया करेगा। दोस्तों आपकी स्किन में एक अलग सी चमक लेके आएगा, आपका स्किन बिल्कुल दमक जाएगा और दोस्तों आपका स्किन का कलर जो है इवेंट हो जाएगा, यानी कि कहीं के दाग धब्बे होते हैं उसकी वजह से आपका स्किन गजब सा दिखता है वो ख़त्म करके, और आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बना देगा। दोस्तों बच्चों को भी ये लगा सकते हैं बिना किसी हार्म के, बिना किसी नुकसान के, आप बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों का भी स्किन सॉफ्ट, मुलायम और बिल्कुल ब्राइट सा दिखेगा फ्रेंड्स। इसको लगाइए रात में सोने के पहले, काफ़ी अच्छे से लगभग लगाने के बाद 5 मिनट तक अच्छे से मसाज दे ताकि काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। आप इसको जो दोस्तों बहुत सारे लोगों को स्कार्स हो जाता है, मार्क्स हो जाता है पेट पे, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपने पैरों पे, एरियो पे भी लगा सकते हैं रात को सोने के पहले। सभी जगह लगा के काफ़ी अच्छे से मसाज कर ले और फिर रात भर लगा रहने दे। अगला दिन आपका स्किन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा मुलायम और बहुत ही बढ़िया सा फील आएगा। 1 महीने लगा के देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही जल्दी फ़र्क नज़र आएगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट्स वीडियो के लिए ज़रूर फॉलो करें।